किसी को नहीं पता हुआ कि मैं किस चीज से टूटती हूँ जल्दी से. वो मेरी खुद की लड़ाई है. मैं टूटती हूँ और मैं जुड़ती हूँ वो खुद के लिए करती हूँ मैं. ताऊ जी के दिमाग में आइडिया आया कहीं से. एक के बाद एक लड़कियां हमारे घर में पैदा हो रही थी लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए उस चीज़ को लेकर. उनका थिंकिंग ऐसा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़कियां काम करें, जाके किसी शादी कर दी, बच्चे हो गए या काम करें. डेस्टिनी शायद भगवान ने हमारी लिख रखी थी. चलो पीछे पीछे जा. घर में ही मिट्टी डाल दी उन्होंने. हम पूरा एक दो महीना खेले. उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ कि ये कुछ कर सकते हैं. तब उन्होंने रेसलिंग में डाला और फिर वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी. ताऊ जी का जो ट्रेनिंग प्लान था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था. जैसे हम 3:30 बजे उठ लेते थे ट्रेनिंग के लिए, फिर हम 7 बजे तक 8 बजे तक लगे रहते. कोई टाइम फिक्स नहीं था कि आपको 3 से 6 बजे तक करना है. नहीं, उनका मन किया तो शायद 8 बजे तक भी करवा सकते हैं. कोई वीकेंड नहीं हमारा, कोई हमारा पिकनिक नहीं है, हॉलीडे नहीं है, कुछ नहीं हमारा. वो एक ही बात बोलते थे कि अगर आपका ड्रीम है कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आए तो फैशन को छोड़ दो, ट्रेनिंग और खाना और पीना और सोना. पापा की डेथ हो गई उसके बाद मैं काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि अब गांव के लोग भी बोलने लगे थे कि ये बड़ी हो रही हैं अभी तो आप इनकी शादी का सोचो क्योंकि आप अकेले आप मदर हो. लेकिन मम्मी का भी था कि इतने साल तक अगर मेहनत की है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह ही मतलब घर का काम करे. विनेश 5 साल की थी ने दूध खाड़ा के अंदर बेच दी थी. ये बोकर तो बेटा दिक्कत खूब आई. ये पापा ख़त्म होगा तो उन्हें अभी कैसे कराएंगे. फिर हिम्मत करके लागी बेटा. फिर मेरे न्यू आत्मा में न्यू होगी ठंडी. भाई इतना कष्ट लिया तो आज मान फल मिल गया. बेटिया ने ऊंचा नाम देश का भी गांव का भी मारा भी आपका भी. ऐसी बेटी भी सबका जम्मो बेटी. एज एथलीट हारना आई थिंक किसी को पसंद नहीं है. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं कहीं पे भी हारूं. पहले तो गुस्सा होती थी इस चीज़ पे कि फ्रस्ट्रेशन होता था कि हाँ कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा लक ही ख़राब है, ऐसे सोचती थी. लेकिन अभी कि ये जर्नी है, ये सभी के साथ हो रहा है. रियो के बाद एकदम से ऐसा टाइम आ गया कि गया सब कुछ हाथ से निकल रहा है. आई थिंक मेरा खुद पे विश्वास काफ़ी है कि कुछ भी हो जाता है तो मुझे इतना पता है कि मैं निकल जाऊंगी या कर जाऊंगी. उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि ये क्या करवा रहे हो लड़कियों से. लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को. इतना हमारे गांव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं, पहलवान बना देंगे. तो और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलते हैं, वो डालते हैं. तो वो चेंज हमारा मेडल से बड़ा है कहीं ना कहीं. अगर हम लड़कियों के लिए या अपनी रेसलिंग के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो वो मेडल से कम नहीं है.